इसराइल हमास युद्ध अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी आफत बनकर आया है। एक तरफ जहां ईरान, हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधियों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट से उसे खदेड़ने में लगा हुआ है, वहीं यमन का हूती अमेरिकी सेना को अरबों डॉलर का पलीता लगा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हूती लाल सागर से लेकर यमन के भीतर तक लगातार इजरायली सेना पर हमला कर रहा है और हूती ने लाल सागर में अमेरिका के कई युद्धपोतों पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। और तो और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के उन हथियारों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो कई सालों से इलाके में अमेरिकी सेना की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। और इस लिस्ट में MQ-9 रीपर ड्रोन का नाम सबसे पहले आता है जो अपने आप में बेहद ही ताकतवर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यमन और लाल सागर MQ-9 ड्रोन का कब्रिस्तान बन चुके हैं, क्योंकि अमेरिका का कोई भी ड्रोन यमन या फिर उसके आसपास जाने की कोशिश करता है वैसे वैसे ही हूती के लड़ाके उसे आसमान में ही ढेर कर देते हैं। जी हाँ, हूती ने एक बार फिर से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। 16 सितंबर 2024 को यमन के हूती ने धामर प्रांत के हवाई क्षेत्र में एक और MQ-9 ड्रोन को उड़ा दिया है। ये इलाका पश्चिमी यमन में आता है। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका का यह 10वीं MQ-9 ड्रोन है जिसे हूती ने गिराया है। और पिछले 72 घंटों में हूती ने ऐसे ही 2 ड्रोन गिरा दिए थे। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में इस ड्रोन के जरिए इस्लामिक चरमपंथियों पर निगरानी रखने और उन पर हमला करने में इस्तेमाल करती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन एक बहुत बड़ा हथियार है। MQ-9 रीपर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह हवा में 24 घंटों तक उड़ान भर सकता है। इस एक ड्रोन की कीमत 3.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी सेना कई वर्षों से यमन के आसमान में इस ड्रोन से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करती है। यहां तक कि 2014 में यमन में हुए गृह युद्ध के दौरान भी इस ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई थी। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी ने MQ-9 रीपर ड्रोन के दम पर कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी को इसी ड्रोन से मार गिराया था। इसके बाद 31 जुलाई 2022 को अलकायदा के नेता और 9/11 के आरोपी अयमान अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने काबुल में MQ-9 ड्रोन से मार गिराया था। ऐसे में हूती द्वारा एक और MQ-9 को गिराना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है।